अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के सबका चेयरमैन दिनेश बस्सी नूं बीते कल विजिलेंस वल्लों गिरफ्तार किया गया। आरोप लगे ने उन्हां ते भ्रष्टाचार दे। तां तुसीं देख सकते हो तस्वीरां जिला कोर्ट कंपलैक्स दीआं ने जिथे कि हुण विजिलेंस दी टीम वल्लों सबका चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दिनेश बस्सी नूं इत्थे लिआंदा गया अदालत विच पेश करन वास्ते। तां तुहानूं दस दईए जदों नवजोत सिंह सिद्धू दे हत्थ कमान आई सी पंजाब कांग्रेस दे प्रधान दी, तां उस तों बाद दिनेश बस्सी नूं चेयरमैन की कुर्सी तो उतार दिता गया सीगा। तो उस तों बाद लगातार सरकार दे राडार ते चल रहे सन। और आम आदमी पार्टी की गल करिए चार महीने का वक्त होने वाला है सरकार बनिया, तो भ्रिष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से चल रही है सरकार। तो उस दे तहत दिनेश बस्सी नूं बीते कल विजिलेंस की टीम वल्लों गिरफ्तार किया गया। एक प्लॉट का हवाला दिता जा रहा जिसके तहत दिनेश बस्सी वालों अपना निजी स्वार्थ जो भोगया गया और जी कि करीब करीब 70,000 प्रति वर्ग गज की जगह जी पौडिया के भा से बेचन का आरोप जोड़ा ने लगाया गया है। तो उस तो बाद विजिलेंस की टीम वालों वही कार्रवाई की गई है तो सबका चेयरमैन दिनेश बस्सी को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें तुम दिखा दें कोर्ट कंपलैक्स ने जिते कि हमने हमने दिनेश बस्सी को पेश करने वास्ते लिया गया। तस्वीर तुम देख सकते हो विजिलेंस की टीम जी पहुँच चुकी है तो इस ही कार में सबका चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दिनेश बस्सी जोड़े कि उन्होंने हूँ इतने कोर्ट कंपलैक्स में लिया गया। तुम देख सकते हो तस्वीर में उन्होंने हूँ अदालत में पेश किया जाना है। देखना होगा भी किन्ने दिन का रिमांड जरा वो मंगया जाता है तो मानयोग अदालत वालों किन्ने दिन का रिमांड जरा वो विजिलेंस को दिता जाता है। तो वही खबर है अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के सबका चेयरमैन दिनेश बस्सी जिन्होंने बीते कल विजिलेंस वालों गिरफ्तार किया गया। तो तस्वीर तुम देख सकते हो दिनेश बस्सी जोड़े कि सबका चेयरमैन ने अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के, तो उन्होंने अदालत में पेश किया गया। गलबात भी कर लें कोई नवा नहीं हो रहा, सारे पंजाब से जो रीत चल रही है। कोई मेरे नाल गल नहीं होया, तुम्हें पता पूरे पंजाब च हो रहा और मैं अपनी पार्टी के नाल खड़ा। और सैकेंडली बिल्कुल तुम्हें नहीं पता लग रहा क्योंकि मैं कांग्रेस के नाल खड़ा और कांग्रेस के वर्कर के तौर पर काम कर रहा। और सैकेंडली एक मिनट बोलन दो, सैकेंडली कि मैं यह कहते पे कि मैं अलॉटमेंट की थी, मैं सरकार को मता पा के भेजा, वो कोई कपला नहीं। और थर्ड फाइल तुम सारे गवाओ कि 22 सितंबर जिदा जलील करके नवजोत सिद्धू ने मैनू इंप्रूवमेंट ट्रस्ट तो लाया सी, वो 6 महीने के क्यों नहीं विजिलेंस की जांच की गई, क्यों नहीं वो फाइलों की गई। और अज 10 महीने बाद मेरे को घर फाइल आ गई। और वायर शूट आई बारे जो विजिलेंस के कंसर्न अफसर ने ब्रीफ करेंगे। असी जुरिस्डिक्शन हिस्से वालों इनकी 4 दिन का रिमांड होना था। बाकी तुम्हें ये बारे दिनेश बस्सी ने कहा कि 4 दिन का जरा पुलिस रिमांड दिया गया। दिनेश बस्सी ने भी गल हुई है और उन्होंने आखिया भी सिर्फ उन्होंने टारगेट किया जा रहा है, जेकर वो कसूरवार सन तो नवजोत सिंह सिद्धू भी उससे कार्रवाई जोड़े वो कर सकते थे, पर उन्होंने अपने आप को इस मामले में पाक साफ दसिया। दूजे पास पुलिस वालों दसा जा रहा भी दिनेश बस्सी का 4 दिन का रिमांड जरा वो
हासिल किया गया। कैमरा पर्सन मुकेश बावाना, सिकंदर पसरी, चा दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। मियां मुराद अली जी, खुदा दे घर देर है अंधेर नहीं, हर समस्या दा समाधान। समस्या जिवे लव मैरिज, वशीकरण, किता कराया, लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। पहला मेरा लव मैरिज नूं लैके कोई भी काम नहीं बन रहा सी, बहुत जगह ते धक्के खाए। फिर बाद विच मैनूं किसे ने मियां मुराद जी अली बारे दस्या, ते अज देखो मैं अपने वैवाहिक जीवन दे विच बहुत खुश हां। कारोबार इकदम ठप हो गया सी, असीं बड़े औखे हो गए। फिर सानूं किसी ने मियां मोहम्मद अली जी बारे दस्या, उन्हां ने सारी साडी समस्या दा चंगी तरह जुड़ो निपटारा कर दिता। हुण असीं बहुत खुश। हुणे कॉल करो 98417 18786, 97797 24075।